हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आके दिखाऊं, तो टेलीग्राम चैनल पर आप देखेंगे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक स्टॉक दिया था जिसका नाम था हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, वो मैंने आपको अराउंड 19 सितंबर को दिया था। ठीक है, और उसमें आप मैंने अराउंड 14-15 दिन हो भी गए उसको दिए हुए, मैंने आपको बताया था कि हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, और ये स्टॉक इसको रीटेस्ट करने आ रहा है वापस अपनी लाइन को, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के। ठीक है, और आप देखेंगे भी एग्जैक्ट जैसे इसने एक रिवर्सल हमें दिया रीटेस्ट करने के बाद, हमें 8 दिन के अंदर ही 13% तक का टारगेट हमें स्विंग ट्रेडिंग में मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों आज की मैं अगर बात करूं तो आज मैंने सिर्फ टाटा मोटर्स DVR में ही ट्रेड लिया। निफ्टी के अंदर मेरे को कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी। ठीक है, और जो ट्रेड मैं लेता नहीं दोस्तों, उन प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आज मैंने सिर्फ टाटा मोटर में ट्रेड लिया, तो आज देखेंगे भी तो टाटा मोटर में हमें एक बहुत अच्छा खासा टारगेट हिट भी हुआ। अब दोस्तों, हमारी निफ्टी के अंदर आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप पहले लेवल्स को देखिए, आप देखेंगे तो आज निफ्टी ने एक साइडवेज मोमेंटम में ओपनिंग देके, ठीक है, अराउंड हमारा फर्स्ट हाफ तक निफ्टी साइडवेज रहा, बट उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे जैसे ही इसने हमें हमारे जोन का ब्रेक दिया, उसके बाद हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली, अराउंड 69 पॉइंट्स का टारगेट हमने इंट्राडे में निफ्टी के अंदर अचीव कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम दोस्तों देखेंगे तो आप एक चीज देख पाएंगे कि निफ्टी, मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आके दिखाऊंगा, आप निफ्टी में एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, निफ्टी एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के पास से, ये देखिए निफ्टी एग्जैक्ट इन्हीं ट्रेंड लाइन के पास से जब भी उठ रहा है तो एक न्यू हायर हाई बना रहा है। ठीक है, और एग्जैक्ट इसने जब दोबारा यहां से उठा तो एग्जैक्ट अब वापस से दोस्तों इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि निफ्टी में इस कल के दिन या फिर इसी वीक के अंदर अंदर हमें एक नया स्विंग हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम निफ्टी में कहीं ना कहीं अभी एक बहुत अच्छा खासा बुलिश मूव देखेंगे। नेगेटिव साइड के लिए मैं दोस्तों आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि निफ्टी के अंदर आप नेगेटिव हो। ठीक है, बट आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं और छोटे स्केल्प अपॉर्चुनिटीज में बिलीव रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक छोटे टारगेट के लिए निफ्टी को शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे लिए कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे तो निफ्टी में ना दोस्तों, कल हमारे लिए जो ये जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। ठीक है, कल निफ्टी जैसे ही हमें ब्रेक देगा 17,835 के लेवल का, हम निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा टारगेट जो कि हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, जो कि 17,942 का लेवल है, वो इंट्राडे में बहुत अच्छा खासा अचीव कर जाएंगे। ठीक है, बट दोस्तों मार्केट में अगर नेगेटिवनेस आती है तो आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्केल्प अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो नेगेटिव साइड में, और अपना वेट कर सकते हो कि आपका 17,750 का लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक हो तो आप कहीं ना कहीं एक छोटा स्केल्प अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड में भी ग्रैब कर जाओगे। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हमारे अगले इंडेक्स पे जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। बैंक निफ्टी में भी आज हमें कोई मोमेंटम नहीं मिल पाया। बैंक निफ्टी आज हमें कोई थोड़ा बहुत अच्छा खासा फॉल दे सकता था। ठीक है, बट हमारा निफ्टी पॉजिटिव होने की वजह से बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम में ही क्लोज हो गया। ठीक है, और अब दोस्तों इसमें हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस लेवल पे है, इस लेवल का ब्रेक तो कर दिया, बट अराउंड दोस्तों जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी मैंने आपको हर बार, अब मैं ये बताता हूँ कि अराउंड हम 2:30 बजे के बाद कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जिस ट्रेड में हम सुबह से एंटर हुए पड़े हैं उसको तो हम रनिंग पे पोजिशन पे रख सकते हैं, बट दोस्तों नई पोजिशन हम 2:30 बजे के बाद कोई भी एंटर नहीं लेंगे। ठीक, एंट्री उसके अंदर नहीं लेंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो हमें 2:30 बजे के बाद ही एक एंट्री मिली थी, बट हमने उसको ट्रेड नहीं लिया और कहीं ना कहीं एक साइड मोमेंटम में ही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया। अब इसमें हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए दोस्तों, हो सकता है कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर खुले। ठीक है, तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, बट दोस्तों हमारे लिए बेनिफिशियल जब रहेगा बैंक निफ्टी, हम बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड करना पसंद जब करूंगा जब बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर खुले। ठीक है, और इसी रेंज के अंदर खुलते हुए बैंक निफ्टी ने अगर हमें फर्स्ट हाफ में ही ब्रेक दे दिया अराउंड 37,693 के लेवल का, ठीक है, तब हम कहीं ना कहीं अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो एक बहुत बड़े लेवल का जो कि हमारा अराउंड 200-300 पॉइंट्स का होने वाला है, अराउंड 371 पॉइंट्स का 1% का मूव जो कि 38,067 का लेवल है, हम उसको कहीं ना कहीं इंट्राडे में अचीव कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो आपको बैंक निफ्टी को दोस्तों पॉजिटिव साइड के लिए बना के चलना है अपनी वॉच लिस्ट में। और जैसे ही कल ये इस रेंज का ब्रेकआउट देता है, और अगर आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में ही आपको पहली या दूसरी कैंडल में ही एक छोटा सा रीटेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उस रीटेस्ट में भी जब आप इसमें एक कॉल बाय कर सकते हो और एक पॉजिटिव साइड बहुत अच्छा खासा एक मूव अचीव कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी इंडेक्सेस की एनालिसिस। आई होप मैंने आपको एक क्लियर प्राइस एक्शन बता दिया होगा कि किस तरीके से कल हमें ट्रेड करना है। अब दोस्तों आते हैं हमारे स्टॉक्स के लिस्ट पे, जो बेस्ट 4 स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा डेल्टा कॉरपोरेशन। डेल्टा कॉरपोरेशन की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे इसमें हमें एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन मिल रहा है। ये देखिए आपको दोस्तों इसमें एक प्राइस एक्शन दिख रहा होगा कि एक ब्रेक के बाद हमारा जो डेल्टा कॉरपोरेशन है वो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर, एक चार्ट पैटर्न के अंदर फंस चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए, आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन यहां से भी रिस्पेक्ट होती हुई आ रही है, ठीक है, जो एग्जैक्टली यहां पे इस स्टॉक को, एक सेकेंड, यहां पे इस स्टॉक को रेसिस्टेंस फेस करवा रही थी, ठीक है। और एग्जैक्टली इसके ब्रेक के बाद यहां पे ये सपोर्ट फाइंड कर रहा है, एक रीटेस्ट कर रहा है सपोर्ट जोन को, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें कल बहुत अच्छी खासी बाइंग साइड की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। तो आप इसमें कल डायरेक्टली इसको बाय कर सकते हो, कल जैसे ही आपको इसका ब्रेकआउट दे और स्टॉप लॉस जस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रख के एक फर्स्ट टारगेट अपना 1:2 का आप बना के चल सकते हो, और जो सेकंड टारगेट है वो 1:2.5 का आप इसके अंदर इजीली ग्रैब कर जाओगे। बट दोस्तों अगर मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड आती है और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे की और सपोर्ट जोन को भी, तब आप कहीं ना कहीं इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, और नेगेटिव साइड भी आप इसमें अपना इजी एक 1:1.5 का फर्स्ट टारगेट रख के चल सकते हैं, और जो सेकंड टारगेट है वो 1:2 का आप इसके अंदर इजीली ग्रैब कर जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको प्राइस वाइज बताऊं तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आके बताऊंगा आपको, छोटे टाइम फ्रेम पे ही हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे हम वॉच रखते हैं। अब ये जैसे ही आपको कल कंसोलिडेशन वे में अराउंड एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है और आपका 0.81% के ऊपर जाता है, ठीक है, और आपको ब्रेक मिलता है 273 के रैंक के लेवल पे आपको बाइंग इनिशिएट करनी है अपनी, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे अपना 270 के लेवल पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट साइड दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना 269 के लेवल पे, 269.50 के लेवल पे अपनी सेलिंग साइड इनिशिएट कर सकते हैं, और इंट्राडे का टारगेट आप सेलिंग साइड में भी बहुत अच्छा खासा इजीली अचीव कर जाओगे। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक पे जो कि नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो आप उसमें देखेंगे, आज थोड़ा सा नेट में ग्लिच हो रहा है, आप दोस्तों देखेंगे तो नेशनल एल्यूमिनियम प्रीवियसली अपनी सपोर्ट जोन्स पे, आप देखेंगे जो इसके लिए प्रीवियसली रेजिस्टेंस जोन था उसी पे एग्जैक्ट सपोर्ट फाइंड कर रहा है, ठीक है। यहां देखेंगे आप, यहां पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फेस करा है इसने, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस करा है इसने, अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है और एक बहुत ही बुलिश मूव के साथ आप देखेंगे वॉल्यूम्स भी आपको दिख रहे होंगे कितने हैवी वॉल्यूम्स हैं, और अब ये इस जोन को रीटेस्ट करने आया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तो मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कल ये जैसे ही आपको यहाँ का बेग रिवर्सल देता है, आपको जैसे ही एक छोटा सा रिवर्सल भी स्पॉट आउट होता है, आप जस्ट उस रिवर्सल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के एक बहुत बड़ा 1:2 का टारगेट इजीली रख के चल सकते हैं, और जो सेकंड टारगेट है वो आप 1:3 का भी इसके अंदर इजीली अचीव कर जाओगे, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव साइड के लिए मैं आपको इसमें सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, बट फिर भी अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, ठीक है, सेफ ट्रेडर्स बिल्कुल नेगेटिव साइड देखेंगे ही नहीं, और रिस्की ट्रेडर्स अगर आपको ये दोस्तों अराउंड आपका 101 के लेवल को ब्रेक कर देता है ना, 101 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तब आप कहीं ना कहीं इसमें फर्स्ट टारगेट अपना 1:5 का और सेकंड टारगेट 1:2 का इजिली ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सेफ ट्रेडर्स को मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि आप पॉजिटिव साइड ही ट्रेड लीजिएगा और वेट करिएगा कि मेटल सेक्टर आपके कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि है एसआरटी फाइनेंस की दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे एसआरटी फाइनेंस में भी एक इंपॉर्टेंट जोन है जो उसके लिए कहीं ना कहीं बायर्स और सेलर्स के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन साबित हो रहा है। आप देखेंगे तो पीछे से ही यहां पे इसको सपोर्ट फाइंड हो रही थी यहां पे भी, ठीक है, और यहां पे कहीं ना कहीं एक ये रिवर्सल स्पॉट आउट हुआ, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे ब्रेक के बाद इसने रीटेस्ट एक बहुत अच्छा खासा हमें दिया, ठीक है। अब दोस्तों ये इसके ब्रेक के बाद ना एग्जैक्टली यहीं पर ही रीटेस्ट कर रहा है, तो आपको दोस्तों इसमें बोथ पॉजिटिव
और नेगेटिव, दोनों ही साइड के लिए ट्रेड करके चलना है, ठीक है, चाहे आप सेफ ट्रेडर है चाहे आप रिस्की ट्रेडर है, ठीक है। मैं बना देता हूं, जी दोस्तों आप इसमें बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों ही साइड ट्रेड करके चल सकते हैं। और अगर ये आपका 1329 के लेवल को ब्रेक कर देता है तब आप इसमें कहीं ना कहीं एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जब तक दोस्तों ये सपोर्ट जोन के ऊपर रहता है और अराउंड आपका 1335 के लेवल पे रहता है तब तक आपके लिए इसमें दोस्तों बाइंग इनिशिएट रहेगी, आप इसमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो SRT फाइनेंस को दोस्तों बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों साइड के लिए ही ट्रेड करके चलना है। अब आते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक पे और आखिरी स्टॉक पे जो कि है टेक महिंद्रा। दोस्तों IT सेक्टर का ये स्टॉक है टेक महिंद्रा और आप इसमें देख पा रहे होंगे तो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो आपको इसमें एक काइंड ऑफ थोड़ा पीछे से आके देखेंगे हम, तो इसमें एक काइंड ऑफ आपको सपोर्ट जोन्स मिल रही हैं, ठीक है, और ये एग्जैक्टली इन्हीं जोन्स के एक बहुत अच्छी खासी रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली यहां पे इसने सपोर्ट फाइंड करी, यहां पे इसने सपोर्ट फाइंड करी, ठीक है, ब्रेक के बाद यहां पे इसने एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनाया है, ठीक है। और अब ये दोस्तों इसको ब्रेक एक रीटेस्ट कर रहा है और जैसे ही कल हमें इसमें एक ब्रेकआउट मिलता है हम इसको डायरेक्टली ट्रेड करके चल सकते हैं। और इसमें सेलिंग साइड के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, हम सिर्फ इसमें पॉजिटिव साइड की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जैसे ही ये आपका 1416 या 15 के लेवल को ब्रेक करके चलता है ना, जब तक आपके लिए बाइंग सिग्नल बना रहेगा आप सिर्फ इसमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और दोस्तों आपका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आप इसके अंदर 1:2 का अचीव कर सकते हैं और जो सेकंड टारगेट है वो आप 1:3 का इसके अंदर अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है जिसमें हम लाइव मार्केट के अपडेट्स देते रहते हैं तो लिंक मैंने जिसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।